नमस्कार, मैं हूं सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मुरैना में 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए मुरैना के पॉलिटेक्निक भवन जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण के बीच उपचुनाव की मतगणना संपन्न होगी, ऐसे में मतगणना कक्षों में विशेष इंतजाम किए गए। प्रत्येक विधानसभा में मतगणना के कक्ष आवंटित किए गए। प्रत्येक कक्ष में 7-7 टेबल रखी जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि निष्पक्ष मतगणना के लिए ईवीएम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। मतगणना स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। कोरोना काल में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसके चलते इस बार प्रत्येक विधानसभा में 3 से 5 राउंड बढ़ जाएंगे। मुरैना विधानसभा में 376 मतदान केंद्र बनाए गए थे, यहाँ वोटों की गिनती 27 राउंड में पूरी होगी। जोरा विधानसभा में 370 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें वोटों की गिनती 26 राउंड में पूरी होगी। वहीं जोरा में 348 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें वोटों की गिनती 25 राउंड में पूरी होगी। ऐसे में इन तीनों विधानसभाओं में चुनाव परिणाम देरी से आने की संभावना है। फाइनल चुनाव परिणाम लगभग 9 से 11 बजे के बीच में घोषित हो पाएंगे।